Okay, lastly learn about how we can COVID the ASP.NET first program हम लोगों ने देखा था. अभी हम आगे के कंट्रोल को लर्न करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोग्राम को लर्न करना है ASP.NET के अंदर, साथ में ही बहुत सारे कंट्रोल को भी लर्न करना है. यस, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट वन कंट्रोल इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल. इट इज अ कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल. यस, बहुत सारे ऑप्शन में से अगर हमें खाली एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है देन वी यूज द ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल. यस, सो इट इज अ कंट्रोल यूज टू सिलेक्ट द सिंगल ऑप्शन टू यूजर फ्रॉम मल्टीपल लिस्टेड आइटम्स. ओके, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द हाइट एंड वेट बाय सेटिंग हाइट एंड वेट, but you will not able to give the multiple select option to the user. Yes, simple hai ki hum multiple selection nahi ho sakta hai, jisko hum combo box bhi bol sakte hain. Okay, so ye sari most common property hai drop down list box control ke andar. So jo bahut hi useful hai aur important property hai. First one property is the selected value. It is get or set the selected value, selected item from the drop down box. Second one is the selected index. Gets or sets the index of the selected item in the drop down box. Next one is the selected item. Gets the selected item from the list items. It is a collection of items. Okay, first three property kya hai? Ye drop down list ka वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा. इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3. यस, एरे इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा है, वही सेम इंडेक्स यहाँ पर फॉलो होगा. सो ये कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा या सेट करेगा, जो भी हमने सिलेक्ट करना है या जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो इंडेक्स रिटर्न करेगा या सेट करेगा. सिलेक्टेड आइटम, इट विल गेट द सिलेक्टेड आइटम और वी कैन से सेट द सिलेक्टेड आइटम. अगर हमें स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करना है देन वी कैन यूज द सिलेक्टेड आइटम. आइटम्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच यू कैन ऐड द मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम बाय यूजिंग द ऐड मेथड. यू कैन ऑल्सो क्लियर द आइटम बाय यूजिंग द क्लियर मेथड. यू कैन ऑल्सो रिमूव द आइटम बाय यूजिंग द रिमूव मेथड. नेक्स्ट वन इज द डेटा टेक्स फील्ड. यस, इट इज द नेम ऑफ द डेटा सोर्स फील्ड टू सप्लाई द टेक्स ऑफ द आइटम्स. ओके, वी कैन से नो नीड टू सेट द व्हेन यू आर एडिंग आइटम्स डायरेक्टली इनटू द डॉट एएसपीएक्स पेज. ये क्या, यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ? वी कैन से डेट ये टेक्स्ट फील्ड जो हमें डिस्प्ले करवाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, वो हमें उसका कॉलम नेम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा. यस, ये कॉलम नेम रहेगा तो उसी कॉलम का आइटम यहाँ पर डिस्प्ले होगा, दूसरा कोई भी नहीं. यस, और अगर हम स्टैटिक वैल्यू ऐड कर रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर देन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई दिस पर्टिकुलर फील्ड. अदरवाइज अगर हम डेटाबेस के साथ बाइंडिंग कर रहे हैं तो ये फील्ड हमें देना जरूरी है. नेक्स्ट वन, सिक्स वन इज द डेटा वैल्यू फील्ड. इट इज द नेम ऑफ द डेटा सोर्स फील्ड सप्लाई द वैल्यू ऑफ आइटम्स. Okay, no need to set the adding items directly into the ASPX page. वही सेम चीज जो मैंने ऊपर समझाई थी, ये टैग्स है जो डिस्प्ले होगा या कॉलम जो डिस्प्ले होगा, और ये वैल्यू फील्ड है जो डिस्प्ले नहीं होगा, जो कि एक यूनिक फील्ड रहेगा. यस, बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी किसके साथ यूज होगी? फॉर एग्जाम्पल, डेटा टैग्स फील्ड इज एम्प्लॉय नेम और डेटा वैल्यू फील्ड इज एम्प्लॉय आईडी. यस, ऐसे हम ले सकते हैं. एम्प्लॉय आईडी जनरली हम डिस्प्ले नहीं करवाते हैं, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करवाते हैं. सो वो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से फाइंड आउट करेगा. सेम वे यहाँ पर कंट्री आईडी है तो हम कंट्री नेम यहाँ पर हम या कंट्री नेम हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे और कॉलम नेम क्या रहेगा? कंट्री नेम. डेटा वैल्यू फील्ड के अंदर क्या आएगा? कंट्री कोड या कंट्री आईडी, जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर रहेगा वो. हमें कंट्री आईडी को डिस्प्ले नहीं करवाना है. यस, या डिस्प्ले नहीं होता है.
सिंपली नेम ही डिस्प्ले होता है। तो ये सारे एग्जांपल थे, आप ऐसे सारे फील्ड के अंदर सेट कर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द डेटा सोर्स फील्ड, इट इज द आईडी ऑफ द डेटा सोर्स कंपोनेंट टू प्रोवाइड द डेटा, ओनली यूज व्हेन यू हैव टू यू हैव एनी डेटा सोर्स कंपोनेंट ऑन द पेज लाइक एसक्यूएल डेटा सोर्स, एक्सेस डेटा सोर्स एक्सेट्रा। यस, ये क्या आईडी प्रॉपर्टी है जहाँ ये कंपोनेंट, जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ किया है जिसके थ्रू हम डेटा सोर्स अगर असाइन करवाते हैं तो उसका आईडी यहाँ पर आएगा। यस, डेटा सोर्स, इट इज़ अ सोर्स ऑफ द डेटा पॉपुलेट्स द आइटम्स इनटू द ड्रॉपडाउन लिस्ट। यस, ये जनरली किसके लिए यूज होता है, टू डायनेमिकली जनरेट द आइटम फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज द ऑटो पोस्ट बैक। ऑटो पोस्ट बैक, इट इज अ ट्रू और फॉल्स, इफ वी सेट ट्रू देन पर्टिकुलर फॉर्म इज ऑटोमेटिकली पोस्ट बैक टू द सर्वर व्हेन यूजर चेंजेस द ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्शन, इट विल ऑल्सो फायर ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज मेथड। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट इवेंट जो उसकी होती है वो कौन सी होती है, ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज मेथड होती है। दूसरी चीज क्या है, अगर ये प्रॉपर्टी हम ट्रू करते हैं तो पेज प्रोसेस के लिए जाएगा या कॉम्बो बॉक्स का इवेंट कॉल होगा ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। यस, ऑटो पोस्ट बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी ट्रू होता है पेज कहाँ पर जाता है, सर्वर पर जाता है और पर्टिकुलर इवेंट को बाय और वी कैन से बाय डिफॉल्ट इवेंट को कॉल करता है। यस, और अगर ये फॉल्स है तो ये किसी भी इवेंट को कॉल नहीं करेगा और डेटा हमारा प्रोसेस नहीं होगा, सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं होगी। यस, सो आई होप डेट आप लोग समझ गए होंगे कि वॉट इज द ऑटो पोस्ट बैक। नेक्स्ट वन इज द अपेंड डेटा बाउंड आइटम्स, इट इज अ ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू द स्टेटिकली एडेड आइटम एडेड फ्रॉम द डॉट ASPX पेज इज मेंटेन व्हेन द एडिंग आइटम्स डायनेमिकली फ्रॉम द कोड बिहाइंड फाइल और आइटम्स आर क्लियर्ड। ओके, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये ट्रू या फॉल्स हो सकती है, अगर ट्रू रहती है तो स्टैटिक आइटम के साथ डायनेमिक आइटम भी ऐड होगी और यस डायनेमिक आइटम ऐड होगी, सो वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम। यस, अगर ये प्रॉपर्टी फॉल्स है तो कोई भी आइटम ऐड नहीं होगा, अगर आप रन टाइम ऐड कर रहे हो तो वो खाली डायनेमिक आइटम को ऐड करेगा। यस, या जो भी लास्ट में आइटम आई होगी स्टैटिक या डायनेमिक वही आइटम को डिस्प्ले करेगा और ऐड करेगा, और बाकी की आइटम्स क्या होगी, क्लियर्ड हो जाएगी। इवेंट्स क्या है, ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ये बाय डिफॉल्ट इवेंट है और ये कभी कॉल होगा जब आपने ये ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को क्या किया होगा, इज इक्वल टू ट्रू सेट किया होगा तभी ये इवेंट कॉल होगा, अदरवाइज नहीं। यस, ये ASPX का एक एग्जांपल है कैसे होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर उसका आईडी दिया गया है, रन एट सर्वर है, लिस्ट आइटम है, वहाँ पर टैक्स है उसका वैल्यू है, दूसरा लिस्ट आइटम है ब्लू उसका वैल्यू। यस, सो ये सिंपली ड्रॉप डाउन किसका हमने क्रिएट कर लिया है, कलर ड्रॉप डाउन। यस, सो यू कैन सिलेक्ट द मैनी सॉरी सिलेक्ट द वन कलर आउट ऑफ मैनी कलर। I hope that you understand how the drop-down list and what are the important property and events you have to set. Yes? So, thank you.